हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंची टेप का संपूर्ण जानकारी दूंगी। आपको इंची टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इंची टेप हम इसको बोलते हैं, ये इंची टेप हो गया। एक इंच में 8 सूत होते हैं, 8 घर होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उसको कैसे नापा जाता है। तो ये स्टार्टिंग वाला को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बताई उसको सूत बोलते हैं। 8 सूत होते हैं, 1 इंच में 8 घर होते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल में लिख के बता देती हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, एक जो इंच होता है उसमें 8 सूत होते हैं, तो इस बात का आपको अच्छे से नॉलेज होगा। इसका मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। 8 सूत या 8 घर मिलकर 1 इंच बनता है, तो उसी को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस तरीके से पहला सूत को हम देख लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से मैं, ये सूत रहेगा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से घर रहेगा। तो हम पहला सूत को 1/8 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम 8 भाग में जो बटा है उसी को ही हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो एक सूत कहते हैं। ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। दूसरा जो है, जिसको हम 2/8 लिखेंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा ये कट के। तो इस तरीके से 1/4 को हम 1/4 इंच कहेंगे, या 1/4 इंच, 1/4 इंच भी आप बोल सकते हैं सरल शब्दों में, या 1/4 इंच यहाँ पे कहा जाएगा। 1/4 इंच हमारा हो गया है। अब देख सकते हैं तीसरा, जो तीसरा घर होता है या तीसरा सूत होता है, उसको इस तरीके से 3/8 लिखेंगे। 3/8 को इस तरीके से कट कर देंगे तो इस तरीके से 1/4 आएगा। इसमें हम जो 1/8 है, एक सूत को और प्लस करेंगे तो 1/2 इंच होगा। तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कोई मायने यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ही ये 1/2 इंच में जाएगा, तो इसका कोई गिनती नहीं होता है, मतलब सिर्फ ये ऐसे ही है। अब देखिए, चौथा वाला जो घर होता है उसको 4/8 लिखेंगे, वो 1/2 आएगा। इसको भाग करेंगे तो इसको देखिए 1/2 इंच इसको कहते हैं। 4 घर को मिला के हम 8, आठवां भाग का चौथा वाला को 1/2 इंच कहते हैं। इसके बाद जो पांचवा वाला घर होता है उसको इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस 1/8 करेंगे, तब इसका गिनती होगा, मतलब मान्य होगा कुछ को भी करेंगे तो। उसके बाद देखिए, 6/ जो छठा वाला होता है, छठा वाला सूत होता है, उसको इस तरीके से 6/8 करेंगे, क्योंकि 8 भाग में मिलके बना होता है, तो 3/4 हो जाएगा ये। इस तरीके से 3/4 इसको आप लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, उसको हम 1/4 इंच कहेंगे, 1/4 इंच कहेंगे। अगर लिखना चाहेंगे तो 3/8 आप उसको लिखेंगे, तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आठवां जो घर है उसको 7/8 लिखेंगे और वो कट के 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 को भी कोई माने यहाँ पे नहीं होगा। इसमें हम प्लस करेंगे 1/8, तो ही ये मतलब 1 इंच होगा। तो इसको भी इसी तरीके से हम इसको छोड़ सकते हैं, इसमें प्लस करेंगे 1/8 इंच, तो ही ये हमारा 1 इंच होगा। अब देखिए, आठवां वाला जो घर होता है 8/8 इसको कहेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा तो 1 आएगा, तो ये डायरेक्ट 1 इंच कहलाएगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको लिखने का जो तरीका है 1/8 2/8 इस तरीके से है ना, 1/4 या 1/2 इस तरीके से है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। चलिए, मैं आपको इंची टेप में आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए, जो ये है इसको, ये वाला को छोड़ दीजिए, पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको 1 इंच के बाद वाले में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये वाला 1 सूत हो जाएगा और 2 सूत मिला के इसको ये 1/4 इंच हमारा हो जाएगा, ये 1/2 इंच हो जाएगा, ये 2 सूत और मिला देंगे तो 1/4 इंच हो जाएगा, और ये 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से